नोएडा के थाना सेक्टर 58 में प्रतिबंधित मांस के तस्कर पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी सोनू कसाई को धर दबोचा है। दरअसल नोएडा सेक्टर 62 के जयपुरी चौराहे के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान सोनू कसाई के पैर में गोली लग गई। जख्मी हालत में सोनू कसाई के कब्जे से 2 धारदार हथियार और एक तमंचा जब्त किया है। सोनू कसाई के पास से 3 कारतूस, 2 खोखा और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। वहीं घायल सोनू कसाई को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। दिल्ली के गाजीपुर निवासी मुमताज के बेटे सोनू कसाई गौवध के मुकदमे में फरार चल रहा था। सोनू कसाई पर अलग अलग नाम से गौकशी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि सोनू कसाई NCR का सबसे बड़ा गौमांस तस्कर है। वहीं नोएडा के ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि सोनू कसाई के गिरोह के दूसरे गुर्गे की तलाश की जा रही है। पूरा मामला बताएंगे। देखिए 6 फरवरी को ACP सेकंड और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब इन लोगों ने एक फेमस इंटरस्टेट गौतस्कर गैंग को पकड़ा था। ये लोग NCR में तमाम जगहों पर जाके गौतस्करी करते थे और गोमांस यहाँ NCR में सप्लाई करते थे। 3 लोग मौके से पकड़े गए थे और लगभग 6 क्विंटल गोमांस हम लोगों ने उस समय वहाँ से इनकी पोजीशन से रिकवर किया था। उन जो 3 पकड़े गए थे उन लोगों से पूछताछ की गई थी और उसमें 5 लोगों के नाम आए थे और ये बाकी 5 उस गैंग के सदस्य थे। इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उस 5 में से एक इनामी अपराधी को पकड़ा था। आज पुनः हमारी टीम को टिप ऑफ थी किसमें से जो मेन जो खरीदने वाला है जिसका नाम सोनू कसाई है, ये अपना नाम बदल बदल के अपराध करता है। सोनू कसाई ये गाजियाबाद में इसके मुकदमे हैं, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्स में भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसको मुंशी भी कहा जाता था, मुंशी भी अपना नाम बताता था, ये रियाज भी अपना नाम बताता था। तरह तरह से नाम बदल के ये जेल गया है। इसके ऊपर लगभग 4-5 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से ये 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। हमारी टीम को पता था, हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह पे हमने घेराबंदी की थी। ये इसे क्रॉस कर रहा था, हम बाइक पे था और हम लोगों ने जब घेराबंदी की तो इसने हमारी टीम पे अटैक किया था। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था, तत्काल इसको हम लोगों ने भेजा है और उसके बाद इसके पोजिशन से बाइक मिली है। बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाइक के पीछे इसने एक बोरे में पुनः जो गोकसी करने वाले हथियार थे वो रखे हुए थे। हम लोग इससे अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं इसमें जो बचे हुए हैं उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, हमने वैधानिक कार्रवाई की। ठीक है सर। नोएडा पुलिस अब सोनू कसाई के गिरोह के दूसरे गुर्गों की तलाश में जुट गई है। हालांकि सोनू कसाई की गिरफ्तारी से NCR में गौमांस की तस्करी पर रोक लग सकती है। पंजाब केसरी TV के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।